लुक सेंटर था ना, लुक सेंटर बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे. एंड यू नो तापसी की जितनी भी मूवीज होती है वो आउट ऑफ द बॉक्स होती ही है. अनुराग कश्यप की वो जितनी भी फिल्म्स बनाते हैं, बासीपुर ले लीजिए या जितनी भी फिल्म, वो अलग ही टाइप की बनाते हैं. सो दोबारा इज ऑल्सो अ डिफरेंट फिल्म. बट यस, मैंने पता नहीं अभी तक सबको पता है कि नहीं पता, बट आई फेल्ट इट्स एन अडेप्टेशन ऑफ मिराज, जो कि एक फिल्म आई थी नेटफ्लिक्स पर. सो वो उस तरीके की मुझे लगी है ये. एंड बट यू नो अडेप्टेशन में भी यू नीड टू हैव ब्रेन्स टू मेक इट वेल. जैसे लाल सिंह चड्ढा भी आई थी, इट वॉज एन अमेजिंग अडेप्टेशन ऑफ फॉरेस्ट गम. तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे तरीके से अनुराग कश्यप ने इसको बनाया है. पता नहीं क्यों कर रहे हैं बायकॉट, नहीं करना चाहिए. सच अ ब्यूटीफुल फिल्म. मैंने तो ट्वीट भी डाला था कि इट इज़ यू नो एन एपिक फिल्म विच इज़ इन द हिस्ट्री नाउ. एंड यू नो कोई भी ऑस्कर विनिंग फिल्म का अडेप्टेशन नहीं बना है. एंड दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म लाल सिंह चड्ढा जिसका फॉरेस्ट गम का अडेप्टेशन है. एंड ब्यूटीफुल अडेप्टेशन. मुझे नहीं लगता कि बायकॉट करना चाहिए, बिकॉज यू नो यू विल लाफ, यू विल क्राई, यू विल स्माइल थ्रू आउट द फिल्म. सारे इमोशंस है. इट इज अ मस्ट वॉच. एंड दोबारा इज ऑल्सो मस्ट वॉच. आई एम द स्क्रीनिंग ऑफ दोबारा. वी शुड टॉक अबाउट दोबारा. दोबारा में काफी हॉरर भी ट्रेलर में देखने को मिल रहा है. नहीं, वो ना वैसा लगता है कि वो हॉरर है, बिकॉज प्रेजेंट पास्ट को लेकर के जो कहानी है वैसा है. इट्स अ साईफाई सॉर्ट ऑफ अ थिंग, थ्रिलर साईफाई काइंड ऑफ अ थिंग. सो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इट्स नॉट हॉरर. वो आपको लगता है हॉरर, बट ज़रूर जाइए देखिए. और सबकी परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं. वो बहुत लोगों को पसंद आएगी. Of guts in the theater. So that's a reason enough to be saying congratulations. लेकिन बनना तो चाहिए. वो फिल्म थी बहुत खूबसूरत. और इस मतलब ये खबर सुनने के बाद मुझे लगा इतनी सुंदर फिल्म वो बन सकती है, उसका पार्ट बन सकता है. थैंक यू सो मच. आई विल ट्राई माई बेस्ट. लेकिन आपने सोचा कभी कि? मुझे नहीं पता कि ये बन भी रही है डर्टी पिक्चर 2. मैं एक्चुअली दोबारा की बात करें, मैं बोलने वाली नहीं हूँ. आपका सवाल जवाब नहीं देने वाली. एकता जी, जो भी अभी तक ने दोबारा देखा है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, आप कैसे देखती हैं? मैं एक्चुअली मैंने एक बहुत क्लियर कट, अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मूवीज का बहुत टफ टाइम चल रहा है. बट आई लेट्स व्हाई आई एम सेइंग, मैंने बोला ना कि इनको वही की डर्टी पिक्चर 2 के कॉन्ग्रेचुलेशन से पहले इस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन की इतनी छोटी फिल्म हम थिएटर्स में लेकर आ रहे हैं. बिकॉज वी बिलीव दैट, आई रियली बिलीव दैट वी कैन ट्राई एटलीस्ट टू ब्रिंग द ऑडियंसेस बैक. आपको अच्छी लगी? बहुत ही सुंदर. इन्होंने देखी है. हाँ, बहुत प्यारी. थैंक यू. लोगों का सभी का ऐसा कहना है कि आप
फिल्म देखने जाना है तो आपको दिमाग आपका लेके जाना पड़ेगा। क्या आप घर पे छोड़ सकते हैं अपना दिमाग? नहीं काफी देखनी पड़ेगी, टाइम के ऊपर है। तो कभी पास्ट में जाके कुछ ऐसा चेंज करना हुआ एकता जी को, लाइक कुछ भी, तो क्या कुछ चेंज करना चाहेंगी आप? अगर मेरे पास एक ऑप्शन होगा तो दो चीजें चेंज करना चाहूंगी मैं। एक, जब मैं पास में जाके मेरी अम्मा जो अभी नहीं है दुनिया में, उनके साथ कुछ लास्ट साल होते हैं ना, कुछ साल होते हैं अपने क्लोज वंस, उनके साथ मैं और वक्त बिताऊं। उस वक्त मेरा क्योंकि शुरू हो गया था और मुझे टाइम नहीं मिला उनके साथ, वो एक चेंज करना चाहूँगी। और मैंने पहली बार जब चॉकलेट खाया था वो दिन चेंज करना चाहूँगी, बिकॉज शुगर इज द रीज़न फॉर ऑल माई प्रॉब्लम्स, मोस्ट ऑफ माई प्रॉब्लम, सो दैट आई वुड लाइक टू चेंज। हाल ही में एक मूवी आई लाल सिंह चड्ढा, लोग जम के बायकॉट कर रहे हो, तो उस पर आपका क्या कहना है? मतलब बायकॉट से हम भी देखा कि फिल्म को लॉस भी हो रहा है, फेस्टिवल सीजन में भी। कितनी अजीब बात है कि हम उन लोगों को बॉयकॉट कर रहे हैं जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा बिजनेस दिया है। द खान्स एंड स्पेशली आमिर खान इज़ अ लेजेंड, कांट बॉयकॉट हिम, he cannot be boycotted, you can't boycott the soft ambassadors of India. Thank you so much, thank you so much, thank you, are yahan par yahan par are idhar wale nahi hai yahan par yahan par center center